देखिए, इंसान की जिंदगी में तीन चीजों का होना बहुत मायने रखता है, रोटी, कपड़ा और मकान। और आज की ये कहानी उसी तीसरे चीज के बारे में है, यानी मकान। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हम आपको अपनी जिंदगी की एक बहुत ही खास इंसान से मिलवाना चाहते हैं, मतलब जिनके बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता, और वो है ये हमारी बेगम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और तो आपका अपना घर, आपका या हमारा? अरे हाँ, हमारा घर। दस साल के बाद, तो बहुत ही लंबी कहानी है, तो चलिए सुनाते हैं इनको। देखिए, घर लेना बहुत बड़ी बात होती है, खासकर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। वो सोचता रहता है क्या करें, कैसे करें, कहां से पैसे जुटाएं और किस तरीके से जुटाएं। बहुत चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है, लेकिन इसकी शुरुआत आपको ही करनी होगी, जैसे कि हमने करी। ठीक है, थोड़ा बचा के और थोड़ा संभाल के और सब कुछ यहाँ वहाँ मैनेज करने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत यहीं दिल्ली से ही करी थी, और हम एक छोटे से फ्लैट में रहते थे मेरे ख्याल से, है ना। और 7,000 रुपये किराया था और 2 BHK था। छोटा सा था ना, बिल्कुल। दो रूम थे छोटे छोटे, और एक छोटा सा किचन, छोटा सा वॉशरूम था, और छोटा सा हॉल जिसमें हमने एक वो रखा था, वॉशिंग मशीन भी रखा था उसी हॉल में, है ना। तो बिल्कुल छोटा सा रूम था और दो रूम थे, 7,000 रुपये किराया था, फर्स्ट फ्लोर पर लिया था हमने। तो उसमें हमने मेरे ख्याल से 2 साल हमने वहाँ पे काटे ना। Exactly, 2 साल हमने वहाँ अपने जिंदगी की निकाले। हमने फैन बंद किया है क्योंकि हमने हॉल में अभी एसी नहीं लगवाया है, इसलिए गर्मी बहुत हो रही है। तो ये पसीने वाली स्टोरी और पसीने वाली कहानी है ये, तो सुनते रहिएगा। ये दर्द भरी पसीने भरी कहानी। ढाई साल वहाँ पे हम रहे, उसके बाद फिर हमें ये लगने लगा कि घर थोड़ा छोटा पड़ रहा है। फिर हमने एक और रेंट पे, मतलब फिर भी हमने नहीं सोचा कि घर खरीदेंगे, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं थी, हमारे पास उतना पैसा नहीं था, है ना, कि हम घर खरीद सके। फिर हमने थोड़ा बड़े घर में शिफ्ट किया था। हाँ। रेंट आई थिंक अराउंड 15,000 हमने उससे थोड़ा 3 BHK था। वो घर इतना अच्छा स्पेस था उसके हॉल में कि इन्होंने अपनी क्लिनिक खोल दी। हाँ। तो इन्होंने अपनी क्लिनिक, क्योंकि अशीज है फिजियोथेरेपिस्ट, और फिर उसके बाद कोविड आ गया और क्लिनिक बंद हो गई, और फिर उसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर हमने वो भी घर छोड़ा। हाँ। फिर सडन हम उस घर से भी छोड़ के हम दिल्ली से सीधा यूपी शिफ्ट हो गया, है ना। यूपी शिफ्ट हमने 2021 में हम यूपी शिफ्ट कर गए, और करीब 3 साल हमने जिंदगी के वहां पे गुजार दिए। Now after 3 years we are here again in Delhi, और अपना घर सेटअप कर रहे हैं और आपकी स्टोरी सुना रहे हैं। लेकिन मुझे याद है कि पहली बार आपने ही मुझसे कहा था, जब हम वहाँ पे दूसरे जगह पे जहाँ पे रेंट, जहाँ हम बड़े फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, क्या हम अपना घर नहीं ले सकते।
हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि हम बहुत ही फ्रीडम के साथ अब उसमें कुछ रेनोवेट नहीं करवा पा रहे थे, कुछ भी अपनी मर्जी से डेकोरेट नहीं करवा पा रहे थे घर को। अब मतलब हम दोनों ही ऐसे हैं कि हम दोनों को इतना शौक है घर को सजाने का, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हमारा अपना घर होना चाहिए। इनकी वजह से और ऊपर वाले की दुआओं से, वजह से नहीं, हम दोनों की वजह से, हम दोनों की वजह से। कोई भी घर अकेले क्रेडिट नहीं लेते, नहीं लेते, किसी को, दोनों से मिलके बनता है। मेरा थॉट था, मेहनत इनकी थी, मेरी थोड़ी इनकी, तो यह मिला के ही बना है। तो फिलहाल एंड पॉइंट पे आते हैं कि अब हमने ये अपना घर ले लिया जिसमें अभी हम बैठे हैं आज 2024 में, और आपको अपना आशियाना दिखाते हैं। बाकी प्यार से छोटा सा है, लेकिन बहुत अच्छा है, हमारे दिल के बहुत करीब, बहुत करीब है। फर्स्ट होम और अपना। बाकी आप घर देखिए और आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे, ठीक है? और बस बाय, डू सपोर्ट अस इंडिविजुअली एंड टुगेदर। चलो बाय।